हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंट्राडे गाइड शिवांश भसीन पे। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब कल थर्सडे की एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है, तो हमें किस तरीके से ट्रेड लेना है, किस तरीके से काम करना है और कौन से स्टॉक्स हैं जो कल के दिन में अच्छा खासा रिटर्न देकर जा सकते हैं। सो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे और देखेंगे कि क्या चीज़ें बन रही हैं, क्या पैटर्न है, क्या सिस्टम है। गाइस, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों को कल एक वीडियोस बना के दिखाई थी। मैं आप लोगों के लिए कल चार वीडियोस लेकर आया था, जिसपे दो स्टॉक मैंने आपको 2 महीने के लिए बाय किए करने की सलाह दी है, जिसपे एक कैनरा बैंक है, एक PNB है। वो दो बैंक्स, ऐसा क्या पैटर्न्स बने, ऐसी क्या चीज़ हमें अपने एक चार्ट के अंदर दिखी है, वो मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करी हुई है। सो डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप यहाँ पर आप आई का बटन देख रहे हैं, जैसे ही वीडियो एंड होती है वो वहाँ पर जाके आप तुरंत देख सकते हैं मेरी वो दोनों वीडियोस को, और वहाँ पर आपको परफेक्टली टारगेट और स्टॉप लॉस बता रखे हैं। 2 महीने के लिए आप बाय करेंगे, आप डेफिनेटली बहुत अच्छा खासा रिटर्न एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो गाइज, मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराए थे अपने निफ्टी और बैंक निफ्टी की, एक मैंने वीडियो अपलोड करी थी और उस पर मैंने आपको बताया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरीके से कल एक ऊपर की तरफ बढ़ सकते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आपको बता दिया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत अच्छे तरीके से ऊपर चलेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी का टारगेट 31,500 था, जो कि मैंने आपको कल बताया, आज हाई भी उसने लगभग इतने का ही मारा था, और 12,000 का मैंने आपको बताया था जो प्रीवियस हाई था, स्विंग हाई था, वहाँ तक निफ्टी दोबारा जा सकता है। सो एग्जैक्ट वही हुआ, और मैंने आप लोगों को शॉर्ट की सलाह नहीं दी थी। मैंने आपको आज, अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी खोलते हैं तो वहाँ पर भी मैंने आप लोगों को शॉर्ट की सलाह निफ्टी और बैंक निफ्टी में दी ही नहीं थी। तो मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट अगर नीचे जाती है तो हमें सेल की अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी है, क्योंकि मार्केट बाय में है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हम ट्रेड डीलर्स, जो हमारे एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर हम आपको कितने बढ़िया तरीके से प्रोवाइड कराते हैं और काम करवाते हैं। उसी के साथ हम आपको परफॉर्मेंस दिखाते हैं कि कल हमने आपको कौन से स्टॉक्स बाय या शॉर्ट की सलाह दी थी। तो ये हमारे 5 स्टॉक्स थे। हाँ गाइज, हो सकता है कि कल जो मैंने आप लोगों को ये स्टॉक्स प्रोवाइड कराए थे, इन पे आज ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली अकॉर्डिंग टू बैंक निफ्टी। और कल के ट्रेडिंग के सेशन दिन हमने ये देखा था, मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे बताया भी था कि ये जो स्टॉक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये स्टॉक्स पे बहुत अच्छी मूवमेंट हुई थी और बैंक निफ्टी में मूवमेंट नहीं हुई थी। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छी मूवमेंट होगी और साइड बाई साइड ये स्टॉक्स भी चलेंगे, पर एक्चुअली इसमें हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती रही। प्रॉफिट बुकिंग भी इन द सेंस नहीं, अपनी 1-2 रुपए की रेंज में ये लोग ट्रेड करते रहे। तो शायद हो सकता है कि कल परसों तक ये बहुत तेज़ी से ब्रेकआउट दे और ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। सो SBI लाइफ की बात करें तो गाइज, SBI लाइफ 936 पे बाय की सलाह दी थी, 942 का टारगेट था, अचीव हो गया। PNB न्यूट्रल रहा हमारा, स्टॉप लॉस और टारगेट भी हिट नहीं हुआ। हमने जो बाय की प्राइस दी थी उसके आसपास ही जाके उसने क्लोजिंग दी है, तो इस पर कोई ट्रेड नहीं बन पाया। SBI की बात करें तो SBI पे हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ, हमारा स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ, बट हमारा टारगेट भी अचीव नहीं हुआ और हमारे स्टॉप लॉस के आसपास जाके ही उसने अपनी क्लोजिंग देने में कामयाब रखा। तो इस वजह से हम इसे नॉट अचीव्ड का ट्रेड मानते हैं। यूनियन बैंक 60 रुपये के ऊपर आपको होल्ड करने की सलाह दी थी, और होल्ड करता तो ही बाय करने की सलाह दी थी। हमने देखा शुरुआत के 5-10 मिनट में ही वो 60 के ऊपर खुला और उसके ऊपर कुछ पैसा गया, और वहाँ पर हमने दोबारा नीचे के ही टाइम ही ट्रेडिंग करते हुए उसे देखते रहे, तो कोई ट्रेड नहीं बना। इंडिया सीमेंट आपको बताया था कि 79.6 की क्लोजिंग है, अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो ही बाय करना है, और अगर सस्टेन करे आधा घंटा तो ही बाय करना, बट अगर वो जैसी 79 का लेवल तोड़ती है तो हम अब नीचे के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि दोनों साइड पे आप इसमें पोजीशन को देखकर चल सकते हैं आधे घंटे बाद, जो भी ये पोजीशन बना रहा हो। सो इसमें भी कोई ट्रेड नहीं बन पाया। सो हमारा जो परफॉर्मेंस थी, जो हमारी कल की आज की परफॉर्मेंस थी, वो लगभग थोड़ी बहुत न्यूट्रल या लगभग सेम ही रही, कुछ ज़्यादा हमें इस पर खास देखने को नहीं मिला अकॉर्डिंग टू प्रीवियस परफॉर्मेंसेस, जो हमारी बहुत अच्छे तरीके से और बहुत बेहतरीन तरीके से गई हैं। सो अब हम बात करते हैं कि जो हमारी बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंसेस गई हैं वो आगे भी चलती रहे, तो उसके हिसाब से मैं आप लोगों के लिए गाइज ये पर्टिकुलरली जी इंटरटेनमेंट पहला स्टॉक लेकर आया, जो बाय करने की आपको सलाह दी जा रही है। 307 की क्लोजिंग है, 298 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके बाय करिए फॉर अ टारगेट ऑफ 311-319। इसके बाद हम पहले, आप गाइस जल्दी से टारगेट्स नोट कर लीजिए, उसके बाद हम पर्टिकुलरली चार्ट्स पे जाएंगे और चार्ट्स पे जाके स्टडी करेंगे और देखेंगे किस तरीके से काम होता है। सो गाइस, उससे पहले मैं आपको बता दूं, देख सकते हैं ट्रेड डीलर्स का ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। आपको करना सिर्फ ये है, टेलीग्राम चैनल पर जाना है, आपके जो फ़ोन में होगा
वहां पर आपको सर्च पे जाके मेरा ट्रेड डीलर्स का नाम डालना है, ट्रेड स्पेस डीलर्स। जैसे ही आप वो डालेंगे तो मेरा आपको एक चैनल दिख जाएगा, मेरे चैनल पे अराउंड 600 सब्सक्राइबर समथिंग है। तो वहाँ पर जाके अगर आप ज्वाइन का बटन क्लिक करेंगे तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएंगे, और हर सुबह मार्केट ओपन होने से पहले और मार्केट के बीच में आप लोगों को बहुत सी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन और साइड बाय साइड ट्रेडिंग टिप्स भी प्रोवाइड होती हैं, तो जाके आप ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। लुपिन बाय करने की सलाह 777, क्योंकि इसकी क्लोजिंग है 764 का स्टॉप लॉस, क्लोजिंग बेसिस 773 का अगर आपको डिप मिलता है, जो मुझे लगता है कि शायद मिलना चाहिए, 3-4 रुपये का अगर आपको कल ओपन होते हुए डिप मिलता है तो ज़रूर बाय करिए। 781-787 तक के टारगेट्स में एक्सपेक्ट करते हुए चल सकता हूँ। उज्जीवन बाय करने की सलाह 297 के ऊपर ही निकले तो ही बाय करना है, सस्टेन करे तो बाय करना है। 301-305 के टारगेट्स के साथ आप उज्जीवन पे ट्रेड लेकर चल सकते हैं फॉर अ टारगेट स्टॉप लॉस ऑफ 291। अजंता फार्मा बाय करने की सलाह दी जाएगी, 1004 के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया, 1000 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, सो मुझे लगता है कि हम एक्सपेक्टेड रैली एज्यूम करते हुए चल सकते हैं। थोड़ी बहुत ये मुझे लगता है कि 4-5 रुपये की ये भी कल अगर इंट्राडे में डिप देता है तो मैं आपको यही एक्सपेक्ट करूंगा, वहां पर बाय करिए और स्टॉप लॉस भी अपना 4-5 रुपये नीचे आप मेंटेन करके रख सकते हैं जो आपको गिवन स्टॉप लॉस दिया रखा है। 1014 का स्टॉप टारगेट है, 1028 का आपका टारगेट है। पिडिलाइट बाय करने की सलाह है, 1328 की क्लोजिंग है, 1330 के ऊपर निकले बाय करिए, 1336-1342 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट करते हुए चल सकते हैं। पर्टिकुलरली पिडिलाइट के अंदर स्टॉप लॉस आपको 1319 का मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो ये सारे टारगेट्स, ये सारे स्टॉप लॉस है जो हमने आपको बताया, ये आप नोट कर लीजिए एक बार। और अब हम चार्ट्स पे चलते हैं, और आपको मैंने चार्ट्स पे पहले से ही बना रखा है, और चार्ट्स पे ऐसा क्या दिख रहा है वो हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं ल्यूपिन पे। तो ल्यूपिन जैसा कि मैंने आपको बताया 777 की क्लोजिंग है, तो आप अगर आप देखेंगे तो ल्यूपिन एक पर्टिकुलरली देखिए किस तरीके से काम कर रहा है, कितना एक पर्टिकुलरली ब्यूटीफुल हम देख रहे हैं चार्टिंग पैटर्न्स है। आप सबसे पहले देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने आपके लिए एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रखा है, तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न आप देख सकते हैं, एग्जैक्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न का हमने ब्रेकआउट देखने को मिला। ब्रेकआउट देखने का जो ये लेवल है, ये आप लेवल देखिए 770 का लेवल है गाइस, ये 770 के ऊपर हमने इसमें ब्रेकआउट देखने को मिला, और आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन आपको ये येलो कलर की जो लाइन दिख रही है ना गाइस, ये लाइन है 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो हमने 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर भी क्लोजिंग दी 770 में, प्लस साइड बाय साइड हमने देखा कि जो हेड एंड शोल्डर है इनवर्स बुलिश हेड एंड शोल्डर, उसके ऊपर जाके भी क्लोजिंग देने में ये कामयाब रहा, और उसके 7 रुपये ऊपर जाके क्लोज होने में कामयाब रहा। अगर आप प्रीवियस जाके देखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने अपना फर्स्ट लेफ्ट शोल्डर बनाया था, तब भी हम देखते थे कि अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे था, अपने हेड के टाइम पे भी ये नीचे था, नहीं क्रॉस कर पाया था, क्लोज नहीं कर पाया था। देख सकते थे इस लेवल पे इसने अपनी क्लोजिंग करी थी मई में, आप देख सकते हैं मई पे इसने अपना 200 दिन का मूविंग एवरेज तोड़ा था, और आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरीके से वो कम से कम वहां से 200 पॉइंट की इसने एक जबरदस्त नीचे की तरफ डाउन साइड रैली दिखा दी थी। सो उसके बाद हम देख सकते हैं कि कम से कम 6-7 महीने बाद जाके इसने दोबारा अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज को तोड़ा है। हाँ गाइस 770 के ऊपर ये निकला है, बट अभी भी मैं आपसे कह सकता हूँ कि ये 773 जो मैं आपको बता रहा था 773 पे आपको मिलता है तो बाय करिए, यानी कि ये जो रेंज आ गई है, मैं आपको एक बार और क्लियरली आपको बता देता हूँ कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। जो बढ़िया ट्रेड, जो सेफ ट्रेडर्स खेलना चाहते हैं उनके लिए मैं आपके लिए बताता हूँ, ये आपको ये बॉक्स दिख रहा है येलो कलर का बॉक्स, आप देख सकते हैं कि कम से कम जुलाई से, मतलब मिड जून से लेकर अभी तक ये पर्टिकुलरली इस रेंज के अंदर काम कर रहा है। मिड जून से आप देख सकते हैं ये रेंज के बाहर ही नहीं गया पर्टिकुलरली ल्यूपिन, बस एक बार इसने इसको तोड़ा, फिर ऊपर आया दोबारा, फिर रेंज के अंदर ही ट्रेड करने लग गया, क्योंकि ये इस रेंज को तोड़ा था इसने एक पैटर्न बनाने के लिए, तो हम इसे इस रेंज के अंदर ही मानेंगे। और आप देख सकते हैं एग्जैक्ट आज इसने अपनी रेंज को टेस्ट करा जो कि 780 का लेवल है, 780 का लेवल इसका एक रेंज है। तो यहाँ पर हम देख सकते थे कि यहाँ पर भी 780 को टेस्ट करता था, प्रॉफिट बुकिंग आती थी, इधर भी प्रॉफिट बुकिंग आती थी, इधर भी प्रॉफिट बुकिंग, कम से कम 5 से 6 बार हम 780 के लेवल पे एक प्रॉफिट बुकिंग देख चुके हैं। सो आपको एक सलाह क्या दे रहा हूँ मैं, अब मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ कि आप देख सकते हैं 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया, बहुत बढ़िया, पर एक स्ट्रांग हर्डल है जो कि 780 के लेवल पे है, जो कि 3 रुपये ऊपर है क्लोजिंग प्राइस से। तो अब हमें करना क्या है, हमें 770
780 के बीच में हम को अगर ल्यूपिन मिलता है तो हम बाय करना शुरू करेंगे, जो कि रिस्की ट्रेडर्स हैं जो ज़्यादा प्रॉफिट के पीछे हैं। पर जो सेफ़ ट्रेडर्स हैं उनके लिए सलाह ये है, जैसे ही वो 780-782 के ऊपर निकलता है, क्लोज़ करता है एक घंटा और दूसरी कैंडल अगर उस पर सपोर्ट लेती है इस चैनल के ऊपर, तो हम बाय करेंगे, इस बाय की पोजीशन बनाएंगे और हमारे जो टारगेट्स होंगे वो हमारे टारगेट्स होंगे लगभग 831 के। यानी कि अगर आप 780 पे बाय करते हैं तो वहाँ से लगभग आप 50 रुपये तक की एक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि ल्यूपिन मुझे लगता है कि दिखा सकता है 2 हफ्ते से 3 हफ्ते के अंदर अंदर। और स्टॉप लॉस आपका ये रेड पोर्शन है, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं आपको एक बार और क्लियरली दिखा देता हूँ कि आपको ऊपर यहाँ पर टारगेट दिख रहा होगा कि ये टारगेट है 50 रुपये का, स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा 38 रुपीज समथिंग का और रिस्क ओवर रिवॉर्ड रेशियो 1:3 है। तो हम मान के चल सकते हैं कि बहुत बढ़िया आपको एक काउंटर मिल रहा है, सो एक बाय करने की आपको इसमें तभी मैं सलाह दे रहा हूँ। अब हम बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ, तो आपको बहुत क्लियरली मैंने बता दिया है, अब हम दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से उस पर काम हुआ। सो उसके लिए मैं जाता हूँ जील एंटरटेनमेंट हम सेलेक्ट करते हैं और अब हम देखते हैं कि उस पर क्या पर्टिकुलर ऐसा पैटर्न बन रहा है कि हम आपको एक बाय की सलाह दे रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जी एंटरटेनमेंट पे एक आप देख सकते हैं एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना है, ये आप देख सकते हैं एक फ्लैग आया, ये पोल है और ये हमने देखा है एक कंसोलिडेशन हुआ जो फ्लैग के अंदर बनाया। और आज हमने इस ट्रेडिंग सेशन के अंदर फ्लैग एंड पोल का एक ब्रेकआउट देखने को मिला, ये आप यहाँ पर इस लेवल पे आप देख सकते हैं, पर्टिकुलरली अपर ट्रेंड लाइन को, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक करा और ऊपर की तरफ इसने क्लोजिंग दे दी। एक ये रीज़न नहीं है कि मैं आपको इस पर बाय की सलाह दे रहा हूँ गाइस, क्योंकि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट हमें इस पर देखने को मिला, जो कॉल जो हम देख रहे हैं कि बहुत बढ़िया है, इस पर ऑप्शन डाटा इस पर बनते हुए हमें देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है कि 300 रुपये का जो लेवल है 300-295, ये जो पर्टिकुलरली लेवल है ये मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा जी इंटरटेनमेंट के लिए। तो अगर थोड़ी माइनर डिप भी मिलेगी तो भी मैं इसको एक बाय की अपॉर्चुनिटी लेकर चलूँगा 295 से 300 रुपये के बीच में। पर अभी के लिए जो मेरे टारगेट्स एक्सपेक्ट करते हुए आ रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि क्या मेरे टारगेट्स हैं, क्या स्टॉप लॉस है, जो आपको ग्रीन और रेड बॉक्स पे दिख जाएंगे। अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो 47 रुपीज़ का मेरा टारगेट है, स्टॉप लॉस मेरा 22 रुपये का, यानी कि 2:1 2.14 का रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो है। यानी कि 2 रुपये का अगर स्टॉप लॉस आपको बता रहा हूँ तो 4 रुपये का टारगेट है आपके लिए। वो कैसे फाइंड करा मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये लाइन जो है वो गाइस, ये लाइन से नीचे का जो पोल है, हम उस पोल का एक डिफरेंस लेंगे। देख सकते हैं जो पोल का लोअर है वो आ रहा है अराउंड, आप इस पे देखिएगा यहाँ पर कि आपको क्या लेवल शो कर रहा है, 235 आपको शो कर रहा है। और जो ये हाई है पोल का वो है 280, यानी कि लगभग हम मान के चल रहे हैं 45 रुपीज़ तक की ये रैली यहाँ से दिखा सकता है। कौन से कितने पे ट्रेड कर रहा है ये पर्टिकुलरली 305 पे, तो 305 से अगर हम लेकर चलते हैं, 30 का इसने ब्रेकआउट दिया, सॉरी 305 पे इसने अपनी, 303 पे अपनी इसने ब्रेकआउट दिया, तो वहाँ से अगर हम 45 रुपीज़ ऐड करते हैं तो वो लगभग आता है 349, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एग्जैक्ट 349 का टारगेट है। दूसरी बात और मैं आपके लिए बता देता हूँ कि मैं आपको ये लेवल एग्जैक्ट क्यों निकल के आ रहा है, तो उसके लिए एक और पर्टिकुलरली पैटर्न इस पर डेवलप हुआ है, वो भी पैटर्न मैं आपको दिखा देता हूँ फिर हम बात करते हैं। सो आप देख सकते हैं कि आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या पैटर्न ड्रॉ कर रहा हूँ। ये साइफर पैटर्न नहीं गाइज, ये एक गाटले पैटर्न है जो मुझे लगता है कि ये हमें इस लेवल तक लेकर चलते हुए दिखा सकता है, ये पर्टिकुलरली यहाँ तक जा सकता है। अब कैसे जा सकता है, और देख सकते हैं एग्जैक्ट ये प्रॉफिट तक ही मैंने बना रखा है ये लाइन, और आप देख सकते हैं साथ में 200 दिन का मूविंग एवरेज भी उधर ही आ रहा है। तो कितना बढ़िया टारगेट हम फाइंड करके आपको दे रहे हैं, आप खुद को आपको यकीन नहीं हो पा रहा होगा। आप देखिए, अब यहाँ पर हम एक यूज़ करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, टॉप से लेके बॉटम तक का हम एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेंगे, और अब एग्जैक्ट देख सकते हैं कि यहाँ पर 886 का जो लेवल आ रहा है, 886 फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मतलब वहाँ तक इसकी जाने की कैपेसिटी है। और एक गोल्डन रेशियो जो इसने तोड़ा अपने ब्रेकआउट के साथ, वो तोड़ा 61.18% का, एक सेकेंड में गाइस इसको हटा देता हूँ सो हमें कन्फ्यूजन ना हो, एक गोल्डन रेशियो इसने तोड़ा है जो कि होता है 0.618 का रिट्रेसमेंट लेवल उसको तोड़ा है। और हमारे लिए जो फर्स्ट टारगेट बनता है वो आता है 330, सेकेंड टारगेट आता है 350 का लेवल। हाँ गाइस, बहुत बढ़िया तरीके से आपको मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी है।
अब हम बढ़ते हैं दूसरे पर्टिकुलरली स्टॉक पे। तो हमने बात कर ली है किस किस पे, अब हम बात करते हैं अजंता फार्मा में। हमने दो स्टॉक्स पे बात कर ली है अकॉर्डिंगली, एक तो ल्यूपिन पे और एक हमने झील पे। तो अब हम आते हैं अजंता फार्मा पे। सो अजंता फार्मा में कि जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से आप लोगों को ये प्रोवाइड करा रखा है, एक रेंज के अंदर ये काम कर रहा था। और आप देख सकते हैं कि हम देखते थे यहाँ पर एक हम देखते थे कि एक बाइंग प्रेशर आ जाता था, इस लेवल से भी एक बाइंग प्रेशर आ जाता था। और हम देखते थे कि दोबारा नीचे आया तो इस लेवल से भी एक बाइंग प्रेशर हमें देखने को मिला। और एग्जैक्ट एक मारुबुजु बुलिश कैंडल के साथ इसने अपनी क्लोजिंग करी है और एक बहुत बढ़िया काउंटर है जो मुझे लगता है कि ये दिखा सकता है। सो, अब इसके साथ हमें किस तरीके से ट्रेड लेना है गाइज, इसके लिए मैंने एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करा है। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करने के बाद मुझे जो एक्सपेक्ट लगता है कि सबसे पहले तो ये 38.2% रिट्रेसमेंट तक जाएगा, जो कि उसका 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है, जो कि 1014 का लेवल है जो मैंने आपको अपने पहले टारगेट में बताया। और सेकेंड टारगेट जो मैं आपको बता रहा हूँ गाइज वो हो सकता है 1027 का। सो गाइस, इसका पहला टारगेट और दूसरा टारगेट हमने आपको बता दिया क्योंकि इस रेंज के अंदर था, तो हमने आपको एक बाय की सलाह दी। दूसरी बात, इसका एक और रीज़न है आपको बाय की सलाह देने का, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एक साइफर पैटर्न इस पर भी बन रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ से हमने एक टॉप पे एक मिलाया, फिर हम नीचे आए, फिर आप देख सकते हैं एक साइफर पैटर्न एग्जैक्ट इसने यहाँ पर बनाया है, एग्जैक्ट 887 आप देख सकते हैं एग्जैक्ट यहीं पर ही लेवल पे। सो हमारे लिए यहाँ पर एक बाय बनता है, ये देख सकते हैं 886 पे आया, तो हमारे लिए ये बाय बना। पहला टारगेट जो हमारा है बाय के लिए, वो हमारा पहला टारगेट होना चाहिए 1014 का, और दूसरा टारगेट हमारा है वो है 1027 का। और हम और हायर लेवल्स तक के भी टारगेट इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और जो प्रोबेबली मुझे लगता है कि वो दोबारा अपने 1066 तक भी जा सकता है। सो गाइज, ये पर्टिकुलरली स्टॉक्स हम आपको इंट्राडे के साथ साथ आपको एक पोजिशनल भी देते हैं, तभी हम आपको ये चार्ट्स दिखाते हैं कि आप साइड में इंट्राडे के साथ पोजिशनल भी लेकर चलिए कि आपको बहुत अच्छा खासा फ़ायदा हो। तभी ये जो चार्ट्स मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ये मैं अपने लिए खुद भी बनाता हूँ क्योंकि मैं इन पे एक पोजिशनल लेकर चलता हूँ मैं, क्योंकि हर पर्टिकुलर स्टॉक्स पे ट्रेड करता हूँ, वो भी स्विंग। सो इसी के साथ हम आपको ये पर्टिकुलर स्टॉक्स रिकमेंड करते हैं। अब हम आते हैं अपने दूसरे स्टॉक पर जो कि है उज्जीवन, और हम उज्जीवन में देखते हैं कि पर्टिकुलरली क्या पैटर्न बन रहा है। सो जीवन पर भी जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक हम साइफर पैटर्न बन रहा है, आपने देखा सबसे पहले एक बुलिश साइफर पैटर्न अभी जो मैंने आपको दिखाया जहां से नीचे से रिवर्स आया। सो अब इसके लिए जीवन के लिए यहां से रिवर्स आएगा जो कि ये लेवल है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि यहां पर आप कम से कम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि 305 तक ये जा सकता है, जो कि अभी 296 के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहा है। पर एक गोल्डन रेशियो है जो कि एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, जो भी अभी आपको मैंने बताया वो कि 297 पे आ रहा है। तो 297 के ऊपर निकले, सस्टेन करे, बाय करिए 2301 और 30 और 305 तक के टारगेट, जो कि हम एक्सपेक्ट करते हुए चल सकते हैं उज्जीवन के अंदर। सो ये पर्टिकुलरली स्टॉक्स हम मैंने आपको जो बताया उनके साथ मैंने आपको चार्ट्स भी एक्सप्लेन कर दिए गाइज। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए गाइज, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि जो ये आपके साथ मैं चार्ट्स में मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों को पसंद आ रही है नहीं आ रही है। और गाइज, एक खास बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। गाइज, मैं एक वेबसाइट बनाने की सोच रहा था, मेरी वेबसाइट मतलब रेडी हो रही है, पर उसका एक नाम मुझे नहीं समझ आ रहा, जो मैं सोच रहा था मेरी अकॉर्डिंगली मार्केट से रिलेटेड ही वेबसाइट होगी। सो मैं एक नाम नहीं सोच पा रहा था कि मैं क्या नाम रखूं, और मैं बहुत कंफ्यूज्ड हो रहा था। जो नाम मैं सोचना चाह जो मुझे नाम पसंद आ रहे थे वो ऑलरेडी टेकन थे या पहले से ही ले रखे थे। सो गाइज, आप मुझे एक सोच के बताइए जो आपके मन में बहुत अच्छे से मार्केट से रिलेटेड कोई एक नाम आता हो जिसमें मैं वेबसाइट पे लेकर चल सकूं। अगर मैं आपको अपनी रिकमेंडेशन दूं, जो दो मैंने नाम सोचे थे, एक तो मार्केट मेंटोर और एक फाइनेंस रूम, ये दो मेरे नाम थे पर ये पहले से ही टेकन थे तो मैं नहीं ले पाया। सो कमेंट सेक्शन में भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको कोई वेबसाइट से रिलेटेड बढ़िया नाम सोचता तो, और अगर वो अवेलेबल होगा तो ज़रूर, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं उस वेबसाइट का नाम ज़रूर रखूँगा अपने उससे। सो इसमें अगर आप मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात होगी। और गाइज, यहाँ पर आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दीजिए। साइड बाय साइड आई पे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मेरी वीडियोस आपको PNB पंजाब नेशनल बैंक स्टॉक और कैनरा बैंक के ऊपर आपको पर्टिकुलरली डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगी विद द गिवन टारगेट एंड स्टॉप लॉस, तो जाके वॉच करिए, यहाँ पर भी आपको वो दोनों वीडियो दिख जाएंगी, शो कर जाएंगी। प्लस आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में
क्या ट्रेड लेना है, कैसे ट्रेड लेना है गाइज, उसकी मैंने पर्टिकुलरली एक वीडियो कल ही बना दी थी। तो जब तक उस रेंज के अंदर है तब तक मैं आपके लिए और वीडियोज़ नहीं बनाऊंगा, क्योंकि जैसे ही वो रेंज के बाहर निकलेगी आपके लिए नई वीडियो आ जाएगी। तो उस वीडियो को भी आप जाके वॉच कर सकते हैं, वो भी वीडियो आपको यहाँ पर शो कर जाएगी। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए गाइज़ मेरे चैनल को, और शेयर जितना कर सकते हैं उतना शेयर करिए गाइज़। और जो भी नए लोग हैं जो सीखना चाहते हैं उन लोगों को मेरे चैनल तक बुलाइए। तो इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ कल अगली वीडियो के साथ। मैं शिवांश भसीन, साइनिंग ऑफ।